और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जन्मदिन, महात्मा गांधी के जयंती, ये पूरा 15 दिन ला हमन स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाथन। और ऐसे कार्यक्रम के लिए आज भारत सरकार के हमारे जल शक्ति मंत्री यहाँ विराजमान है। हमला मतलब स्वच्छता पर प्रोत्साहित करे पर मैं चाहूं कि आप मन एक बार करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। और मोर बड़ा सौभाग्य के कि 2014 में हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार सांसद के रूप में और केंद्र में राज्यमंत्री के रूप में उनके साथ में करे के मोला भी सौभाग्य मिले रही। और 15 अगस्त 2014 के लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन के घोषणा करे रहे और उस समय विरोधी मन हंसी उड़ाए कि प्रधानमंत्री एक शौचालय निर्माण के बात कर रहे थे, टॉयलेट के बात कर रहे थे, लेकिन आज हमारा समझ में आते कि स्वच्छता और ये टॉयलेट के कितना महत्व है। आज स्वच्छता पर बहुत बात हुई थी, हमारे पूर्व वक्ता ने बताई है और मैं माननीय मंत्री जिला भी ये अवगत करना चाहूं कि हमारे देश के स्वच्छ प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे छत्तीसगढ़ इस स्वच्छता ला एक आदत भी बना डाली से। आज जो आह्वान है हमारे प्रधानमंत्री जी के कि हमला अपन घर, हमला अपन गली चौराहा, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेज, ये सब ला स्वच्छ रखना है। आज कहीं ना कहीं हमें वाला आदत में डाल रहे हैं, ये प्रत्यक्ष आज देखे पर भी मिलते। और आज राजनांदगांव में भी अच्छा काम होते स्वच्छता पर, हमारे बेटा बेटी मन भी लघु नाटिका के द्वारा जागरूकता के कार्यक्रम ये सब करत है। एक जन आंदोलन का रूप हमारे छत्तीसगढ़ में ये स्वच्छता हम ले ली से मैं माननीय मंत्री जिला बताना चाहता हूँ। आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू पकड़ के गली में झाड़ू लगाए पर उतर गई, तब से हमने पुरुष मन के भी जो संकोच बोध की तो भाग्य की नहीं, पहले तो समझत रहे कि झाड़ू बहार हुए सफाई के काम खाली महिला के, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपन हाथ में झाड़ू पकड़ के गली मोहल्ला में सार्वजनिक स्थल में मंदिर के सफाई करे पर उतर गई, तो आज हमारे प्रदेश के पुरुष में भी जो लाल शरम वैसे भर भाग्य से और हम स्वच्छता ला अपन एक आदत बनाए हुए हैं। तो आज हमारे मंत्री जी ओला फिर से याद कराए पर आई नहीं कि हमने स्वच्छता ला हमेशा अपन आदत के रूप में बना के रखना है। आज मोला याद आते 21 फरवरी 2015 के बाद जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए रही और डोंगरगढ़ में कार्यक्रम हुए इसे, और डोंगरगढ़ में जब मोला पता चली कि हमर कोटा भरनी गांव जो धमतरी जिला में पड़ते वहां के 106 साल के एक वृद्ध महिला कुंवर बाई अपन बकरी छेरीला बेच के शौचालय के निर्माण कराई से, और सौभाग्य के बाद जो दिनों 106 साल के कुंवर बाई मंच में विराजमान रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके स्वागत करके उनके पैर छू ली, ये महानता हमारे देश के प्रधानमंत्री के और स्वच्छता के कितना महत्व एकर से पता चलते। आज वो कुंवर बाई हमारे बीच में नहीं है, गुजर गई, मैं उमला नमन करता हूँ, लेकिन एक स्वच्छता के क्षेत्र में मिसाल बन गई। आज मोला मालूम है कि वो गांव के लोगन मन आज वहां उनके मूर्ति स्थापित करने वाला है कोटा भरनी में, एक अंग्रेज डैम के बगल में गांव है, वो गांव में गए हूं। तो ऐसा एक साधारण गांव के महिला, अनपढ़ महिला भी स्वच्छता पर इतना जागरूक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मन भी
काफी जागरूक है, मैं माननीय मंत्री जी बताना चाहता हूँ। और आज मोदी सरकार में कैसे काम होते उगर उदाहरण आज हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री जी आई और यहाँ के सरपंच के जो काम चलत है वाटर लेवल ठीक करे बर कैसे पॉपुलेशन टैंक बनाए हैं बोला पूरा देख के प्रभावित हो गए। इतना खुश हुए कि 11 बोर के और पैसा कल आ जाए, आज देखेंगे और कल पैसा आ जाए। ऐसा काम हमारे मंत्री जी और मोदी जी के सरकार में सब काम फटाफट और सब काम साय साय होते है कि नहीं। तो ये मोदी जी के सरकार है, ये मोदी जी के सरकार है, बोला ज्यादा कहना नहीं है। हमारे सरकार के अभी 9 महीना हुई से और मोदी जी के गारंटी में विश्वास करके आप मन छत्तीसगढ़ में हमला सरकार में बैठाओ, सांसद में भी जिताओ, तो मोदी के गारंटी ला हमन पूरा करत हन। यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत सारा काम वाला मैं गिनाए बन नहीं आए हूँ। अभी प्रधानमंत्री आवास के काम भी जो ग्रामीण क्षेत्र के बचे रही 5 साल में जो 18 लाख हमारे गरीब मन वंचित हो गए रहे, हमारे विजय शर्मा जी जमन के पास में पंचायत मंत्रालय भी है। मैं तो मुख्यमंत्री के नाते एक बार